यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नागरिक के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लाइफ स्पैन है, वो 5 साल से कम हो गए हैं वायु प्रदूषण की वजह से। मतलब कि जो वायु प्रदूषण के हेल्थ इफेक्ट्स है, स्वास्थ्य पर जो उसका असर है, उसके वजह से भारतीय नागरिक के लाइफ स्पैन 5 साल से कम होते दिख रहे हैं। और यही फिगर अगर आप सिर्फ दिल्ली का देखें तो ये एस्टिमेट है 11.9 ईयर्स, 12 साल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहे हैं दिल्ली के नागरिकों के। ये जो प्रदूषण का जो मामला है, जो इशू है, वो काफ़ी गंभीर है। क्या उसको उसी गंभीरता से लिया जा रहा है? क्या सरकार की तरफ से उसी गंभीरता के साथ इसे डील किया जा रहा है? मैं समझती हूँ इसका जवाब है ना। मैं ये कहूँगी कि आज अगर आप देखें वायु प्रदूषण की जो हालत है, 400 से ऊपर AQI पहुँच गए हैं, मतलब सीवियर कैटेगरी में है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, सिर्फ वही नहीं, जो स्वस्थ, जो हेल्दी लोग हैं, उनको भी इस तादाद में अगर पोल्यूशन होता है तो उनके स्वास्थ्य में भी इसका बुरा असर पड़ेगा। और वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो माइक्रोन्स होते हैं, जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसका डायमीटर जब 0.1 माइक्रोन से कम होने लगता है तो बहुत फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंडेड इन द एयर, वो पार्टिकल्स आपके लंग्स में, वो लंग्स को बाईपास करके आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। सो द एंट्रैपमेंट इन द लंग्स, जो एंट्रैपमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ चीज़ें अपने शरीर में ऑलरेडी बना हुआ है इस तरह की चीज़ों को, पोल्यूटेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। लेकिन अगर उस माइक्रोन्स का साइज ऐसा हो, फाइन पार्टिकल्स उस डायमीटर के हो कि ये लंग्स को बाईपास करके ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाए, तो वो एयर क्वालिटी को सीवियर कैटेगरी का माना जाता है। तो आज जो हालत है दिल्ली में वो 400 to 500 के बीच में AQI है ज़्यादातर जगह में। लेकिन सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरी उत्तरी दिल्ली में जितने भी शहर जो लैंड लॉक्ड शहर है, सारे ही इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब इस बात पर आते हैं कि क्या सरकार के पास वो सहूलियत है कि इस तादाद के एयर पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सके। मैं कहूँगी कि सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। आप राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, पूरी तरह से नाकामयाब हुई है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। क्लीन एयर प्रोग्राम जो भारत में ऑन पेपर तो है, लेकिन उसको लागू करने का, उसको एनफोर्स करने का जो नियत है, उसमें मुझे कमी दिखती है। आप देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, जो टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहा है, लेकिन वो जो भी प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ऑन पेपर तो ठीक लगते हैं, लेकिन जब उसको एनफोर्स करने का समय आता है तो मुझे लगता है कि वो एनफोर्समेंट में काफ़ी ढिलाई रहती है और उसको पूरी तरह से एनफोर्स नहीं किया जाता। क्योंकि दिल्ली की ही बात करें तो मैं मानती हूँ कि एक ऐसा लैंडलॉक्ड शहर है, एंड इफ द विंड स्पीड इज लो देन द एयर पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड एंड दैट डिटीरियोरेट्स द एयर क्वालिटी। मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि कुछ ज्योग्राफिकल कंपल्शन है, बट ये भी देखना ज़रूरी है कि बाकी जो सोर्सेज हैं, वहीकुलर पोल्यूशन, वाहन की वजह से जो पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट, गार्बेज बर्निंग एंड उससे जो एमिशन होता है, ये सब चीज़ें पूरी तरह से सरकार नियंत्रित कर सकती है, लेकिन करने में नाकामयाब हुई है। कई बार हम देखते हैं कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। वैसे इस देश में समस्या यही है कि हर वक्त कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है और हर मुद्दे को एक राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है। इस मुद्दे में भी राज्य सरकार केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार राज्य सरकार को ब्लेम करने में लग जाते हैं, लेकिन हमें उससे दूर रहना चाहिए। वी नीड अ कोऑर्डिनेटेड कोलैबोरेटिव एफर्ट टू टैकल पोल्यूशन। और जो मल्टीपल सोर्सेज है उसको समझने की बहुत ज़रूरी है। स्टबल बर्निंग को ही ले लीजिए, पराली जलाने की जो प्रक्रिया है उसी को नियंत्रित करने में सरकार नाकामयाब रहे हैं, और ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्यों इस प्रोसेस को एक अल्टरनेटिव प्रोसेस के द्वारा, स्टबल बर्निंग
को क्यों नहीं कम्प्लीटली जो है उसको एलिमिनेट क्यों नहीं किया जा रहा है। कुछ हद तक नियंत्रित किया जा रहा है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आज भी पराली जलाए जाते हैं और आप हम सब जानते हैं कि उसके वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन में प्रभाव पड़ता है। मैं चाहूँगी कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जो नागरिक है वो भी कुछ ऐसे एहतियात बरते जिससे वो एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। आई थिंक वेयरिंग अ मास्क इज़ अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि N95 मास्क पहनना ज़रूरी है। जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है उससे कुछ खास आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इनडोर्स में तो आप रहोगे अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है बाहर, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा समय इनडोर्स में हो तो आपको एयर प्योरीफायर की ज़रूरत होगी, बिकॉज वो भी एक तरीका है आपको हेल्थ के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, जो एयर पोल्यूशन का के जो बुरा इफ़ेक्ट्स है उससे बचने के लिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा समय तक कन्फाइन स्पेस में रहना भी सही नहीं होगा। और ऑफ कोर्स ये कहा जा रहा है कि कार्डियो एक्सरसाइजेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्री जो आपका ब्रिस्क ब्रीदिंग होता है वो अवॉइडेबल है ऐसे मामले में, एंड हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करें और जितना हो सके ये जो समय है सीवियर एयर पोल्यूशन की जो समय है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें।